23 फरवरी 2023 क्रिकेट की टॉप थ्री खबर आपके सामने। नंबर 3, आईपीएल से पहले महेंद्र सिंह धोनी को लगा तगड़ा झटका, टूर्नामेंट को बीच में छोड़ेंगे बेन स्टोक्स। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 सीजन से ठीक पहले महेंद्र सिंह धोनी को एक बड़ा झटका लगा है। उनकी कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा था, मगर अब इसी ऑलराउंडर ने टीम को बड़ा झटका दे दिया है। बेन स्टोक्स ने ये कहा है कि वो आईपीएल का अगला यानी 2023 सीजन पूरा नहीं खेल पाएंगे, वो बीच में ही टूर्नामेंट को छोड़ देंगे। बेन स्टोक्स इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान भी है, जबकि इंग्लिश टीम को जून से अपने टेस्ट सीरीज का आगाज करना है। इंग्लैंड टीम को 1 जून से आयरलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेलना है। इसके बाद इंग्लिश टीम को 5 टेस्ट मैचों की ऐसे सीरीज भी खेलना है। ESPN की रिपोर्ट के मुताबिक बेन स्टोक्स आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच जरूर खेलेंगे। इस बात की पुष्टि खुद उन्होंने ही की है, जबकि आईपीएल 2023 सीजन का शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया गया है। नंबर 2, सनराइजर्स हैदराबाद को मिला नया कप्तान। आईपीएल 2023 की शुरुआत से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना कप्तान चुन लिया है। सनराइजर्स हैदराबाद टीम ने ट्वीट करके बताया है कि एडन मार्करम टीम के कप्तान बनेंगे। मार्करम ने हाल ही में आयोजित साउथ अफ्रीका T20 लीग में अपनी टीम सनराइजर्स ईस्टर्न केप को चैंपियंस बनाया था। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत से पहले सनराइजर्स हैदराबाद टीम को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसमें एडन मार्करम हैदराबाद के 9वें कप्तान होंगे। सनराइजर्स हैदराबाद ने ट्वीट किया है कि खत्म हुआ इंतजार, हमारे नए कप्तान एडन मार्करम को नमस्ते कहिए। सनराइजर्स ईस्टर्न केप और सनराइजर्स हैदराबाद दोनों ही का ओनर सन ग्रुप ही है। नंबर 1, शोएब अख्तर ने लाइव शो में उड़ाया कामरान अकमल का मजाक। पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटरों की अंग्रेजी भाषा को लेकर मजाक बनता रहता है। दुनिया में मजाक बनना अलग बात है, लेकिन जब अपने ही देश के क्रिकेटर मजाक बनाते हैं तो ये कुछ ज्यादा हो जाता है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने हाल में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की अंग्रेजी भाषा को लेकर कुछ बातें कही थी, जिसको लेकर अलग अलग रिएक्शन आए थे। कई लोगों ने इसके लिए अख्तर को लताड़ा भी था। अब अख्तर ने एक लाइव शो के दौरान पाकिस्तान के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज कामरान अकमल की अंग्रेजी का भी मजाक बनाया है, जिसको लेकर फैंस उनसे कुछ ज्यादा ही नाराज है। कामरान एक लाइव शो में बैठे हुए थे, जहां अख्तर की एंकर से फोन पर बातचीत हो रही थी। इस दौरान अख्तर ने एंकर से कहा, कामरान हमारे लिए मैच विनर रहे हैं, बढ़िया खिलाड़ी है, आपके साथ बैठे होंगे, लेकिन उनको पता होना चाहिए स्क्रीन नहीं स्क्रीन होता है। शोएब अख्तर की ये वीडियो क्लिप अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। शोएब ने इस बातचीत के दौरान ये भी कहा कि बाबर आजम को नीचा दिखाने की उनकी कभी नियत नहीं रही। अख्तर के इस वीडियो क्लिप पर फैंस ने उनको लताड़ते हुए कहा कि वो खुद विराट बोलते हैं, जबकि विराट है, ऐसे में उनको हक नहीं है कि वो किसी और पर सवाल उठाए। क्रिकेट से जुड़ी टॉप खबर हर रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।